यहाँ पर जो है दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है। अभी जानकारी जैसे कि हमें मिली है तो उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ मामले जो है वो कोर्ट में भी जा चुके हैं प्रसार भारती के खिलाफ, दूरदर्शन के खिलाफ, कि इनकी ओर से अभी तक कोई भी 24/7 सिंधी चैनल यानी सिंधी भाषा का चैनल मार्केट में लॉन्च क्यों नहीं किया गया है। तो इनकी जो है ये मांग थी कि प्रसार भारती की ओर से, दूरदर्शन की ओर से एक ऐसा चैनल 24/7 वाला, 24 घंटे वाला सिंधी भाषा का लॉन्च होना चाहिए दूरदर्शन का, क्योंकि दूरदर्शन जो है वो हर एक भाषा में चैनल दिखाता है, चाहे वो आपके लिए तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ा हो, ऐसे सभी भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए दूरदर्शन की ओर से सभी तरह के चैनल चल रहे हैं। लेकिन अगर हम खासकर बात करते हैं सिंधी भाषा में, तो अभी तक ऐसा कोई भी चैनल नहीं था और इसी को लेकर कोर्ट में मामला गया था। तो आखिर कोर्ट की ओर से क्या फैसला आया है उसके बारे में ही इस वीडियो में हम बात करेंगे, और क्या इनकी मांग को स्वीकारा जाएगा, क्या हमारे लिए कोई नया सिंधी भाषा में 24 घंटे का दूरदर्शन चैनल लॉन्च होगा, और क्या वो डीडी फ्री डिश का भी पार्ट बनेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने से कोई भी शुल्क नहीं लगता है, सिर्फ आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले जरूर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे कि इन्होंने मांग की है तो वो यही है कि एक सिंधी भाषा का 24 घंटे का एक चैनल दूरदर्शन का खुद का लॉन्च होना चाहिए, जिससे सभी तरह के डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी और केबल टीवी पर भी जोड़ना चाहिए, जिस तरीके से बाकी भाषाओं के चैनल आपके लिए दूरदर्शन के डीडी फ्री डिश पर या फिर बाकी सभी तमाम डीटीएच प्लेटफॉर्म पर केबल पर उपलब्ध हैं। तो देखिए कोर्ट की ओर से कह दिया गया है कि ये जो टोटली निर्भर करता है, ये प्रसार भारती के ऊपर निर्भर करता है और दूरदर्शन के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसकी जो मांग जो है जो रखी जा रही है वो कितनी जायज है कितनी नहीं, क्योंकि दूरदर्शन का यहाँ पर ये पहलू है कि भाई सिंधी भाषा का चैनल लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिंधी भाषा के जो आबादी है, जो सिंधी भाषाओं को समझते हैं, वो बेहद कम है, और उन आबादी के लोगों के लिए एक सेपरेटली चैनल लॉन्च कर देना बेवकूफी है। और ये हम कई सालों से करते आ रहे हैं कि सिंधी भाषा के कुछ प्रोग्राम्स हमने तैयार करके रखे हुए हैं, जिसे हम डीडी राजस्थान या फिर डीडी गिरनर, जैसे कि गुजराती चैनल है आपको मालूम होगा, उस पर हम चलाते आ रहे हैं। तो हमने कुछ स्लॉट्स जो है वो खासकर सिंधी भाषाई कंटेंट के लिए रखा हुआ है, जिसको हम एग्जिस्टिंग चैनल्स डीडी राजस्थान या फिर डीडी गिरनर पर चलाते हैं। तो हमें लगता नहीं कि एक सेपरेटली चैनल जो है वो सिंधी भाषा का लॉन्च होना चाहिए। तो कोर्ट ने भी दोस्तों उसमें हामी भर दी है और कहीं ना कहीं जो मामला है वो शायद खारिज हो गया है और कोई भी जो नया चैनल है सिंधी भाषा का वो शायद अब लॉन्च नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रसार भारती भी इससे नकार चुका है। तो अगर किसी के मन में सवाल था या आप में से भी कोई ऐसा है जो कि इस सिंधी भाषा चैनल की मांग कर रहा था, तो बताना चाहूंगा कि फिलहाल शायद मांग आपकी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि दूरदर्शन इसके लिए तैयार नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, फैसला सही लिया गया या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।